Hello everyone, today we are going to start a very, very interesting chapter, Economic Liberalization and Globalization. So let's get started. When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning and achieve speedy economic development. जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस पाई थी 1947 में, तब हमारी सरकार ने एक रास्ता चुना था प्लानिंग का, जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा और जल्दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पा सकते हैं. डेवलपमेंट बाय इम्प्लीमेंटिंग 5-year plans, जिसमें हमने 5-year plans अप्लाई किए वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक हम प्लान लाते गए. मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी इस चीज़ में अनाउंस हुई. इन तीनों के मतलब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ऑल्दो मैनी ऑफ दीज प्लान्स वर कम्प्लीटेड एंड सक्सेस वॉज नॉट अटेन इन अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस, बट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उतना हम इसमें अचीव नहीं कर पाए. हेयर बाय गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटेड द कॉज फॉर फेलियर एंड डिटरमिन्ड टू गिव न्यू फॉर्म टू डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज. और इस तरह गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या कारण थे जिसकी वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम न्यू फॉर्म लेकर आएंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई. रेक्टिफाई मतलब टू करेक्ट द एरर डन इन द पास्ट. जो भी गलतियाँ हमने पास्ट में की हैं, अब वो हम रेक्टिफाई करेंगे यानी सुधारेंगे. इन दैट रिगार्ड इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, इसलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी 1991 में सच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ, जिसने स्ट्रेंथन यानी एक स्ट्रॉन्ग विलनेस दिखाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए तीन पॉलिसीज लाई गई. फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड इज प्राइवेटाइजेशन एंड द लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन. गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके जितने भी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी, जो कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर पे, वो थोड़ा ढील बरती यानी उनको थोड़ी लिबर्टी दी और इनकरेज किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. दिस इज़ नोन एज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, और इसी को हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं. मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो रिलेटेड थे लिबरलाइजेशन से, वो इस तरह हैं. पहला, देयर वॉज एक रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज. जो पहला रिजर्वेशन मिलेगा, यानी आपको अगर अपना कंफर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाना है तो आपको फर्स्ट 18 कंपनीज में आना पड़ेगा. फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम, कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वॉज एलिमिनेटेड. इसका मतलब ये है कि पहले 18 इंडस्ट्रीज को ही परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, यानी पहली जो 18 कंपनीज होंगी उनको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं थी, उनको लेने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में, अब 18 से ऊपर भी अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो उनको भी गवर्नमेंट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी लीगल वर्क थोड़ा कम कर दिया गया. पॉइंट नंबर टू, एरियाज अदर देन रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर. यानी इन तीन डिपार्टमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट किसी और फील्ड में कर सकता है, यानी रेलवे छोड़कर, एटॉमिक एनर्जी छोड़कर और डिफेंस छोड़कर बाकी सब फील्ड में प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है. थर्ड, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्रीज वॉज कैंसल्ड. कंपल्सरी ट्रेडिशनल जो है, ट्रेडिशन यानी रीति रिवाज जो चल रहा था कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, ये चीज़ कैंसिल हो चुकी है. प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड आर नॉट हैजार्डस फॉर द एनवायरनमेंट वॉज कैंसल्ड. यानी जो भी इंडस्ट्रीज पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती और एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस नहीं है, उनको रजिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है. Then let's talk about the advantage. As a result of liberalization, private sector has got an opportunity to make unconstrained development which led to the increase in production. इसका मतलब है कि liberalization की वजह से private sector को एक chance मिला है, golden chance, कि बिना किसी interference के वो production को increase कर सकते हैं बिना किसी permission के.
Second point, because of accepting the policy of liberalization, global trade started and getting an impetus and there has been increase in global trade. क्योंकि अब हमने लिबरलाइजेशन को मान लिया है, इसलिए ग्लोबल ट्रेड यानी पूरे विश्व के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फॉरेन ट्रेड्स या फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है. थर्ड, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, क्योंकि अभी फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो चुका है तो फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स बहुत आ सकते हैं हमारी कंट्री में. इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी हो गई है क्योंकि लिबरलाइजेशन आया है. अब हम डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं. फर्स्ट है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन रेस्ट्रिक्शन मोनोपोली कैन नॉट बी चेक्ड. भले ही लीगल वर्क कम कर दिया है लेकिन मोनोपोली यानी जहाँ पर सिंगल प्रोप्राइटर या सिंगल बिजनेस का राज हो उसको हम कैंसिल नहीं कर पाए हैं, जो कि बहुत नेगेटिव है. सेकंड, एज फोकस हैज़ बीन पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि हमने ज़्यादा फोकस इंडस्ट्रियल सेक्टर पे किया है जिसकी वजह से बैकवर्ड इन डेवलपमेंट जो हमने इग्नोरेंस किया है एग्रीकल्चर फील्ड को, वो गलत है. इंडस्ट्री सेक्टर को फोकस करना चाहिए बट हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड को भी. देर हैज़ बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, रिचर आर बिकमिंग मोर रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर. क्योंकि इंडस्ट्रीज की बात हो रही है तो ये ऑब्वियसली हम रिच लोगों की बात कर रहे हैं, गरीब लोग इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, अब क्योंकि इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो नहीं रहा तो हम कर्जदार बन रहे हैं फॉरेनर्स के. ये थी डिसएडवांटेज. अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में. प्राइवेटाइजेशन का मतलब है एक प्रोसेस जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट का अंडर होता है स्टेट गवर्नमेंट के, या हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं प्राइवेट कंपनीज़ को. यानी जब कोई गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज़ प्रॉफिट में ना चल पा रही हो, लॉस बहुत हो रहा है, तो हम दोनों में से कोई एक चीज़ दे देते हैं प्राइवेट सेक्टर को. या तो हम उसको ओनरशिप दे देंगे, मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर का होगा, या तो हम उसको उस प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप ना देकर मैनेजमेंट दे दिया और ओनरशिप पब्लिक सेक्टर में चली गई. यानी दोनों में से एक हम प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं ताकि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनीज भी प्रॉफिट कमा सकें. मेथड्स, पहला है, फर्स्ट दोज एरियाज जो कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे अब वो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिए गए हैं. सेकेंड पॉइंट, स्टेट कीप द ओनरशिप, ज़्यादातर स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट वो ओनरशिप अपने पास रखती है, और मैनेजमेंट यानी काम कैसे करवाना है लोगों से वो प्राइवेट कंपनीज पे छोड़ देती है. एज़ वी ऑल नो दैट कंपनीज जो हैं प्राइवेट कंपनीज उनको अच्छे से पता है कि एम्प्लॉयज से काम कैसे निकलवाना है, वो एक भी लेजीनेस अलाउड नहीं करती जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत होता है. इन शॉर्ट, गवर्नमेंट पीपल यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से काम कैसे निकलवाना है वो प्राइवेट सेक्टर अच्छे से जानती है. अब हम इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं. देर इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि प्राइवेटाइज आ गया है प्राइवेटाइजेशन तो अब प्रोडक्शन अच्छे से बढ़ रहा है. सेकेंड, प्रोडक्शन हैज़ बीन इंक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमरेबल कमोडिटीज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन. क्योंकि प्रोडक्शन ऑब्वियसली दो ही चीज़ों का हाई होता है, एक तो कैपिटल इंटेंसिव यानी लग्जूरियस चीज़ें और दूसरा कंज्यूमरेबल यानी जिसको आप खा सको कंज्यूम कर सको उसके लिए. यानी ये दो फील्ड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है प्राइवेटाइजेशन की वजह से. वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि उनको पता है प्राइवेटाइज वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन वाले सैलरी नहीं देंगे अगर वो वर्क नहीं करेंगे. सो जितने भी लेजी पर्सन्स होंगे पब्लिक सेक्टर के वो अब काम करना चालू कर देंगे. अब हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं. पहला, इकोनॉमिक पावर जो है वो सेंट्रलाइज यानी किसी एक ग्रुप ऑफ पर्सन को मिल चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, मोनोपोली यानी जैसा वो बोलेगा लोगों को वैसे ही करना पड़ेगा, चाहे गलत हो चाहे रॉन्ग हो. सो ये चीज़ गलत है, ये डिसएडवांटेज है. सेकेंड है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन की वजह से, सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से, जो गरीब हैं या छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा प्राइवेटाइजेशन की वजह से. थर्ड है, प्राइस हैज़ नॉट बी रिमेन्ड अंडर द कंट्रोल, प्राइस जो है वो कंट्रोल में नहीं रह पा रहा बिकॉज प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन वालों का एक ही फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
तो इसलिए वो प्रॉफिट हमेशा बढ़ाते रहते हैं ताकि उनकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का लेवल है, वो बढ़ता रहे, जो कि डिसएडवांटेज है प्राइवेटाइजेशन का। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री की इकोनॉमी से कनेक्ट होती है। यानी अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ अमेरिका के साथ तो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी हमारी कंट्री में आ चुकी है। एज अ रिजल्ट विच फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, लेबर इज ईजिली अवेलेबल। तो अब हमारा सामान उधर जा सकता है, उनकी सर्विसेज यहाँ आ सकती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को हम सीख सकते हैं, यहाँ के लेबरर्स वहाँ जा सकते हैं। तो ये सब फ़ायदे हमें ग्लोबलाइजेशन से मिलते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रेड। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी दो राष्ट्र को, दो नेशंस को ट्रेड करने में, वो चीज़ हटा दी गई है। सच अ कंडीशन हैज़ बीन क्रिएटेड, इस तरह कंडीशन क्रिएट कर गई है कि कैपिटल एक्सचेंज कैन ईजिली टेक प्लेस। दोनों नेशंस के बीच में ईजिली पैसे का लेन देन हो सकता है, क्योंकि अब फॉरेन एक्सचेंज आ चुका है, यानी अब डॉलर्स ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं रुपीज़ में, और इसका उल्टा भी हो सकता है। ऑब्स्टिकल जो आ रहे थे एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी हटा दिए गए, यानी टेक्नोलॉजी हम लेन देन कर सकते हैं ईजिली। और फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबरर्स मे बी देयर, यानी ईजिली हम यहाँ के लेबरर्स वहाँ जा सकते हैं और वहाँ के लेबरर्स यहाँ आ सकते हैं, एंड दे कैन गेट द बेटर एक्सपीरियंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहले हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी डायरेक्ट पैसा आना, ये इनकरेज हो चुका है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, यानी फॉरेन कंपनीज यहाँ आकर इन्वेस्ट कर रही हैं। सेकेंड, गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका में, वो अब हम वो प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी यहाँ पर भी अवेलेबल हो सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विदड्रॉ कॉम्पिटिशन एट इंटरनेशनल लेवल। अब हम अपना प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना क्वालिटेटिव है, क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर चल सकता है, ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं। अगर नहीं चल सकता तो अपने आप के अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाने के चांसेस अब बढ़ गए हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड सक्सेस हैज़ नॉट बीन अटेन इन फाइंडिंग द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से गरीबी और बेरोजगारी में इतनी सक्सेस नहीं मिली है हमें। सेकेंड है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैज़ नॉट एक्वायर्ड प्रॉपर बेनिफिट। जो थोड़ी सी पुअर कंट्रीज़ हैं या जो अभी डेवलप हो रही हैं, उन कंट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है एक्सपोर्ट, क्योंकि इंक्रीज़ जो हुआ एक्सपोर्ट में, और इतना एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ हम नहीं कर पाए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बेनिफिट मिला है, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि हैंडमेड इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। होप यू लाइक इट। इफ़ येस देन हिट द सब्सक्राइब बटन। इफ येट नॉट सब्सक्राइब द माई चैनल, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक, comment if you have any doubt in this chapter, and keep supporting. Bye-bye.